हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ। तो आज मैं फेशियल थ्योरी, जैसा कि मैंने लिखवा लिया है, तो आज मैं फेशियल जो है प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये गोल्ड नेचर्स का किट है, कुछ इस तरीके से है। इसमें 4 स्टेप है, क्लिंजिंग छोड़ के स्क्रब है, जेल है, मसाज है, पैक है। 4 स्टेप है। सारे स्टेप मैं अपने फेस पे अपने स्टूडेंट से कराऊंगी और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं, आप मेरे चैनल से पार्लर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा और स्टेप टू स्टेप मैं सारे डिटेल शेयर करूंगी कि कैसे किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, सारे जितने स्टेप करने हैं उनको बाउल में जितना हमको फेस पे नीड है क्रीम की उतना निकाल लेंगे, ताकि हमको फेशियल करते वक्त दिक्कत ना हो। तो 1 फेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रीम नहीं यूज करना है। जितना नीड होगा फेस पे उतना ही आपको क्रीम लेना है। तो देख सकते हैं, मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग क्रीम निकाल रही हूँ बाउल में। तो बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई करने से फेशियल का ग्लो नहीं आता है फेस पे, जबकि हमारे स्टेप, हमारे जो हाथ के मूवमेंट होते हैं, उससे हमारे फेस पे अच्छा ग्लो आता है। तो क्रीम को उतना ही आप यूज करेंगे जितना आपको ज़रूरत है। उसके पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो मैंने वाइप से अपने फेस को क्लीन किया और उसके बाद ये मेरी स्टूडेंट है, जो कि 2 लोग हैं, दोनों लोग आपको बताएंगी फेशियल करके। तो अभी मैं मेरे फेस पे क्या है, क्लीन करने के बाद अगर आप इयर रिंग्स पहने हैं, गले में कुछ पहने हैं, तो सारी चीज़ों को निकाल देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो फेशियल कराते वक्त। तो उसके बाद आपको फेस को क्लीन करना है। उसके बाद क्लिंजिंग मिल्क से मसाज करना है 4 से 5 मिनट तक। क्लिंजिंग मिल्क से जो मसाज करेंगे, आपको फेस में एब्जॉर्ब नहीं करना है, आपको फेस पे अप्लाई करना है। थोड़े से पानी या गुलाब जल ऐड करके अपने फेस पे जो है फिंगर से आप मसाज कराएंगे। तो मसाज के कुछ स्टेप इस तरीके से हैं, देख सकते हैं उसके में मोमेंट। आप स्टेप टू स्टेप वीडियो को देखिए और कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो आप उसको जो है ट्राई करिएगा घर पे ट्राई करिएगा किस तरीके से हाथ के मोमेंट मैं कर रही हूँ। तो इससे आपके जो है हाथ अच्छे से चलेंगे, उसके बाद आप फेशियल कर सकेंगे। तो क्लींजिंग हमारे फेस को क्या करता है, क्लीन करता है। जो हमारे फेस पे धूल, डस्ट, मेकअप, जो भी हम अपने फेस पे हमारे फेस पे अप्लाई हुआ रहता है, उसको क्लीन करने का काम क्लींजिंग करता है। और 2 होने जा रहा है, जैसा कि क्लींजिंग करने के बाद 4 से 5 मिनट बाद उसको फिंगर से मसाज करने के बाद फेस क्लीन हो जाता है, उसको अच्छी तरीके से साफ कर दिया गया। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये चल रहा है स्क्रबिंग का। और स्क्रबिंग का भी नीड वही होता है, हमारे फेस को क्लीन करता है। हमारे जो है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, हमारे फेस पे जो भी गंदगी होती है उसको क्लीन करने का काम जो है स्क्रबिंग भी करता है। स्क्रबिंग भी बहुत ज़्यादा फेस पे बहुत देर तक नहीं करना है आपको। अगर कर रहे हैं आप फेशियल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट तक कर सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। पर अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो आप उसको 5 से 6 मिनट ज़रूर करें। अगर आपके नोज़ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट्स है, और इसमें भी आपको फेस में एब्जॉर्ब नहीं करना है, क्रीम से मसाज करना है थोड़े देर बाद, उसके बाद आपको गुलाब जल ऐड करना है। तो देख सकते हैं मेरी स्टूडेंट जो है कर रही है मेरे फेस पे, और जैसे जैसे स्टेप कर रही हैं आप उसको देखिए, घर पे प्रैक्टिस करिए और उसको फॉलो करिए। तो फेशियल के स्टेप इसमें क्या है, यही फिंगर से क्रिस क्रॉस है, देख सकते हैं सर्कुलर मोशन है और जिगजॉग है। और इस तरीके से नोज़ पे आप करेंगे, नोज़ पे ज़्यादा, अगर आप किसी के फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, तो नोज़ पे ज़्यादा स्क्रबिंग का मसाज करेंगे। पर मेरे फेस पे ऐसा कुछ भी नहीं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड नहीं है, मेरा फेस क्लीन है। बस मेरे फेस पे थोड़ी सी टैनिंग हो जाती है बहुत जल्दी। तो इसको मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से फेस को क्लीन कर लेना है और अच्छी तरीके से क्लीन करना है स्क्रबिंग, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें स्क्रबिंग के में छोटे छोटे कण होते हैं, वो ना रह जाए। ये मेरी दूसरी जो है 3री स्टेप है।
नहीं सॉरी दूसरी स्टेप है क्लिंजिंग लेके, तीसरा है, पर फेशियल में 4 स्टेप थे, ये मसाज का स्टेप है। तो इसको क्या करना है, आपको फेस पे अप्लाई करना है और अच्छी तरीके से अपने फेस में एब्जॉर्ब करना है इसको। इससे क्या होता है, हमारे फेस बहुत ज़्यादा जो है स्मूद और क्लीन बनते हैं, हमारे फेस पे साइन आता है। तो ये मसाज क्रीम जो है, इससे आप बहुत देर तक इसको भी नहीं करना है, आपको 15 मिनट तक इसको टाइम देना है। 15 मिनट तक आपको क्या करना है, पूरे क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे फेस में। तो देख सकते हैं मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो गया है और मेरी स्किन ऑयल छोड़ दी है। जब आप मसाज क्रीम करेंगे तो एब्जॉर्ब होके ऑयल छोड़ती है, तो आपकी फेस पे कुछ इस तरीके से लगेगा कि मेरे फेस पे तेल लगा हुआ है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करना है और वापस से जितने क्रीम एब्जॉर्ब हैं उनको आप बाहर करेंगे। तो आप उसको मसाज करते हुए रिलैक्सिंग पॉइंट और क्रिस क्रॉस पॉइंट, जिगजॉग पॉइंट, पिंचिंग पॉइंट, बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो आप करते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं मेरी स्टूडेंट जो कि ये लोग सीखी हैं, पर फिर भी इन लोग का हाथ का मोमेंट बहुत कम चल रहा है। सीख रही हैं, सीखी कंप्लीट नहीं, 3 महीने का इन लोग का कोर्स था, कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अभी इन लोग की 12th की पढ़ाई है, तो ये लोग नहीं आ रही हैं, बीच बीच में आती रहती हैं। तो देख सकते हैं जो भी स्टेप ये भूल रही हैं मैं इनको बता रही हूँ, तो स्टेप को आप फॉलो करते हुए ध्यान में रखते हुए चलें। ये स्टेप जो होता है, अगर आपकी एज 30 हो गई है, 30 से ऊपर हो गई, तो यहाँ की जो है हड्डियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस तरीके से कुछ जो है मसाज देंगे। और पानी डाल के अच्छे से गुलाब जल डाल के अच्छे से आप मसाज करेंगे, सारी क्रीम को जो अंदर एब्जॉर्ब किए थे उसको बाहर कर देंगे। अगर आपको स्टीम लेना है तो आप स्क्रबिंग करते वक्त ही स्टीम लेंगे। और अगर आपको फेशियल के स्टेप जानने हैं कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप हैं, इनके क्या नाम है, कौन कौन से फेशियल मतलब स्क्रबिंग के समय कौन सा स्टेप करना चाहिए, मसाज के समय कौन सा स्टेप करना चाहिए, तो आप लोग उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं तभी उसके सारे डिटेल वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो इस तरीके से आप पूरे फेस पे अच्छी तरीके से मसाज करेंगे और फेस को क्लीन कर देंगे। इसको जो है टैपिंग या वाइब्रेसिंग जो है कर सकते हैं, स्टेप है। और ये क्रिस क्रॉस है जो फोरहेड पे कर रही हैं, और ये जनरल स्टेप है। ये जो है आप सारे स्टेप के नाम तो ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगी, पर इस पर प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगी। कमेंट करिएगा आप तो कि आप लोग को क्या उसके बारे में जानना है। तो इस तरीके से सारे स्टेप आपको फेशियल मसाज वाले स्टेप में करना है। और स्क्रबिंग में कुछ ही स्टेप करने होते हैं, जो सिर्फ फिंगर का मूवमेंट चलता है उसमें, और अच्छी तरीके से आप मसाज करें ताकि क्लाइंट को आराम मिले, रिलैक्स महसूस हो और दोबारा आपके पास फिर वापस आए वो, और उसके फेस पे ग्लो भी तो आएगा ही। अगर आप अच्छे फेस के जो है हाथ के मूवमेंट रखेंगे तो फेस पे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हैं मेरे फेस पे अभी से आपको ग्लो दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरा फेस जो है बहुत ही ज़्यादा सन टैनिंग हो जाती है मेरे फेस पे, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है मेरी, कभी यहाँ घर पर और पार्लर का सारा काम मुझे देखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मेरी ज़िंदगी में है, तो इस वजह से मेरे फेस पे ज़्यादातर टैनिंग हो जाती है। मैं फेस का अपनी केयर भी नहीं कर पाती हूँ, पर कभी कभी 2-3 महीने में जो है फेशियल लेती रहती हूँ। और काफ़ी वीडियो बनाने में तो अक्सर ही हो जाता है फेशियल, ब्लीच, डिटेन वगैरह, क्योंकि सारे कस्टमर नहीं अपने फेस को दिखाना चाहते कैमरे के आगे, तो मुझे अपने खुद के फेस पे ही सब चीज़ करके दिखाना पड़ता है, आप लोग को बताना पड़ता है, क्योंकि अब किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। पूछते हैं, अगर कोई बोलता है ठीक है, तो नहीं अगर बोल देता है तो उसका नहीं वीडियो शूट करते हैं। तो
तो इस तरीके से कुछ दूसरे स्टेप हैं जो कि जेल के थे। जेल भी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आपको करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना है। आप चाहे मसाज क्रीम हटा के करें या मसाज क्रीम के ऊपर ही अप्लाई करके जेल क्रीम का मसाज कर दें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी होता है। आप चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, और या तो फिर मसाज करते वक्त लास्ट में जब हटाना हो तो उसी पे आपको जेल का मसाज कर देना चाहिए। तो जेल का भी मसाज मेरा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद फेस क्लीन करेंगी और पैक अप्लाई करेंगे। तो पैक कैसे लगाया जाता है उसको भी अच्छे से डिटेल वीडियो देखिएगा, ताकि आपको आगे काम दे। तो आप देख सकते हैं टिश्यू से मेरे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर रही है मेरी जो है स्टूडेंट। फेस क्लीन करने के बाद अब हमारा जो है पैक लगेगा। पैक अक्सर गर्मियों में ड्राई हो जाता है, तो आप थोड़ा सा उसमें गुलाब जल ऐड कर लेंगे। और ये स्टूडेंट मेरा उल्टा पुल्टा सारा काम कर रही थी, मैंने इनको बोला कि यहाँ से माउथ के पास से लगाओ, और ये फोरहेड से ही शुरू हो गई हैं। और जब भी आप फेस पैक लगाएं तो देख सकते हैं ये कितने गलत डायरेक्शन में लगा रही हैं। तो आप फेस पैक जब भी लगाएं तो उसको ऊपर की साइड ले जाएं, क्योंकि इसी से हमारे फेस को टाइट करता है फेस पैक, और हमारे स्किन पे ग्लो भी लाता है। अच्छी तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करना है, और पैक जो है हमें नीचे के डायरेक्शन में नहीं अप्लाई करना है, ऊपर की ही डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ताकि हमारे फेस की जो चमड़ी होती है उसको टाइट करता है स्किन को, और हमारी स्किन हेल्थी और ग्लोइंग बनती है। तो फेस पैक को लगाने के बाद आप 15 मिनट तक उसको छोड़ देंगे, ताकि स्किन एकदम ड्राई हो जाए, एकदम टाइट, ज़्यादा हंसना और बोलना नहीं होता है, नहीं तो हमारी स्किन पे रेसेस पड़ने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद 15 मिनट मेरे फेस पे अप्लाई हुए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश जेल ऐड करेंगे और मसाज करेंगे, और उसके बाद क्लीन कर देंगे फेस को। तो इस तरीके से मसाज करने से क्या होता है, जो हमारे पैक सूख जाते हैं फेस पे वो अच्छे से जो है क्लीन करने में आसानी होती है, नहीं तो क्लीन करने में एकदम दिक्कत होती है और फेस पे बहुत सूखा सूखा होता है। तो इस तरीके से क्लीन करने के बाद आप क्या करेंगे, पूरे फेस को अच्छी तरीके से जो टिश्यू से क्लीन कर देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है रोशनी तिवारी 01 से है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा। मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ उसके शॉर्ट वीडियो रील्स बना के मैं डालती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए आप लोग, और दूसरे चैनल पर भी विजिट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और देख सकते हैं मेरे फेस क्लीन हो चुका है, और उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद छोड़ देंगे फेस को, और 24 घंटा फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, और काफ़ी फेस स्मूथ और शाइनिंग हो गया, देख सकते हैं टैनिंग वगैरह रिमूव हो गया मेरे फेस का। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।